जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SG स्टडी पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन नेवी नई भर्ती 2021 के बारे में दोस्तों। और यहां पे दोस्तों SSR AA और MR के लिए स्पोर्ट्स कोटा की जो वैकेंसी आती है दोस्तों इंडियन नेवी में, वो फाइनली आ गया है। इसके लिए क्या योग्यता है, फॉर्म कब से फिलअप होने वाला है, लास्ट डेट क्या रहने वाला है, फॉर्म ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन फिलअप होगा, यानी कि इस वैकेंसी की पूरी डिटेल इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा, और जितने भी कैंडिडेट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए आप लोगों को सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बता देते हैं और सब कुछ आप लोग को अच्छी तरह से समझा देते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट, यहाँ पे आप लोग देखोगे दोस्तों तो ये जो पोस्ट के लिए निकाला गया है ये यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर प्रीटी ऑफिसर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट SSR के लिए और मेट्रिक रिक्रूटमेंट MR के लिए निकाला गया। ठीक है, टोटल पोस्ट कितना है ये अभी तक पता नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर मोड ऑफ अप्लीकेशन रहने वाला है, ये ऑफलाइन फॉर्म फिलअप होता है। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारे कैंडिडेट को ये भी लग रहा होगा कि ये फेक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग कन्फर्म हो जाओगे मेरे भाई, फेक ये नहीं है, 100% ये सही न्यूज है दोस्तों और बिल्कुल सही नोटिफिकेशन है। ठीक है, आप लोग को यह अपडेट आप लोग को DAVP के ऑफिशियल मतलब की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, बाकी बात एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी जल्द से जल्द आप लोग को देखने को मिल जाएगा, यही 2 से 3 दिन में आप लोग को देखने को मिल जाएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी। ठीक है, तो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो रहने वाला है 25/12/2021। क्या रहेगा दोस्तों, 25/12/2021 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे, वो भी ऑफलाइन, इसके बाद आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊँगा अंत में, तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, और इसका दोस्तों आगे बात करते हैं, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जो इसका मतलब कि सिविलियन वाला NIC.IN, वहाँ पे ये होगा सब कुछ, आप लोग देख सकते हो जाके, वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। बाकी बात दोस्तों इसके लिए जो अप्लीकेशन फ़ी है बिल्कुल 1 रुपये नहीं लगेंगे, 0 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो आगे यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इसमें आप लोगों को दोस्तों एज लिमिट जो रखा गया है यहाँ पर, आप लोग 17 से 22 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है, और 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2005 के बीच में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ रखा गया है दोस्तों। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर, ये तो डायरेक्ट एंट्री प्रीटी ऑफिसर के लिए हो गया, लेकिन यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट SSR और MR के लिए जो डेट ऑफ बर्थ रखा गया है 1 फरवरी 2001 से 31 जनवरी 2005 के बीच में रखा गया है दोस्तों। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आप लोग को देखने को मिल सकता है, SC ST OBC PWD और PH कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार। उसके बाद दोस्तों नीचे चलते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहां पर आप लोगों को बस 12वीं पास होना आप लोगों को जरूरी है दोस्तों, 12वीं पास एनी स्ट्रीम और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। उसका दोस्तों आप लोगों के पास स्पोर्ट्स प्रोफिशियंसी आप लोगों के पास होनी चाहिए, जैसे कि टीम गेम हो गया, शुड हैव पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल, एट जूनियर सीनियर लेवल, और रिप्रेजेंटेड एट यूनिवर्सिटी इन द यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। ठीक है, तो इनका आप लोग का क्या होना चाहिए दोस्तों, स्पोर्ट आप लोग को आना होना चाहिए, स्पोर्ट का नॉलेज होना चाहिए आप लोग के पास, तब जाके इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर पाओगे। मेट्रिक रिक्रूटमेंट के लिए 10th पास होना जरूरी है दोस्तों, और इसमें भी मतलब कि आप लोग का शुड हैव पार्टिसिपेटेड इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल टूर्नामेंट में आप लोग को पार्टिसिपेट होना जरूरी है, तब जाके आप लोग कर पाओगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है वो सब कुछ आप लोगों को यहां पर बता दिया गया दोस्तों। उसके बाद यहां पे आप लोग देखोगे तो यहां पर इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट कमिंग सून आप लोगों को बता रहे हैं, वही क्लोजिंग डेट आप लोगों को पता हो चुका है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जैसे ही डालेगा उस दिन से आप लोगों का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, आज लगभग मतलब 4 तारीख है, यही आप लोगों को 6 या 7 तारीख वाले मतलब एम्प्लॉयमेंट न्यूज तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, देन जाके आप लोगों का फॉर्म फिलअप होना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, या सर्च कर लीजिएगा SG स्टडी टेलीग्राम पे जाके, और जाके ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, वहां पर जैसे इसके रिगार्डिंग मतलब कि फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होता है वैसे वहां पर मैसेज कर दूंगा, अगर आप ज्वाइन रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रखा है। और इसका एक फॉर्म भी आता है दोस्तों, ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म, वहां मैं टेलीग्राम पर भी उसको भी मैं टेलीग्राम पर उस फॉर्म को डाल दूंगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा के उस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, बहुत ईजी है फॉर्म को फिलअप करना, वो भी हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग का कमेंट आता है तो।
कैसे अप्लाई करना है वो भी यहाँ पर आप लोग को बता दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अप्लीकेशन मतलब कि फॉर्म जो होना चाहिए अप्लीकेशन टू बी सबमिट A4 साइज पेपर पे वनली एज पर मतलब गिवन फॉर्मेट यहाँ पर जो होना चाहिए वो चीज़ आप लोग को यहाँ पर बताया गया दोस्तों। ठीक है, तो यही सब चीज़ आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हो कि फॉर्म आर ऑल्सो डाउनलोड फॉर्म इंटरनेट डब्ल्यू मतलब कि ज्वाइन इंडियन नेवी डॉट इन के जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन नेवी की जहाँ पर MRSSR AA की वैकेंसी आती है नॉर्मल वाली वेबसाइट वहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे मेरा पिछला फॉर्म मतलब कि है वो वाला भी वही सेम टू सेम रहता है तो वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, बाकी बात किस एड्रेस पे भेजना है वो एड्रेस यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ है देन इसे एड्रेस पे आप लोग को भेजना है। चलिए एक बार मैं नोटिफिकेशन को दोस्तों ओपन कर लेता हूँ और आपको सब कुछ दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग को बिलीव हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं अनकैडमी के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर रक्षा कैंडे 2/2022 बैच यहाँ पर कंप्लीट बैच कोर्सेज दोस्तों की 1 दिसंबर से यहाँ पर स्टार्ट हो रहे 31 मार्च तक ये कोर्स चलने वाले। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर विक्रमादित्य डिटेल कोस्ट गार्ड बैच दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आइकोनिक सब फ्यूशन लोगे तो क्या क्या बेनिफिट आप लोग को मिलने वाला है। देन यहाँ पर सभी का यहाँ पर आप लोग को प्राइस देखने को मिलेगा प्लस सब फ्यूशन का और आइकोनिक सब फ्यूशन का, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अगर आप लेना चाहते हो इन सभी कोर्सेज तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा कोर्सेज का, उस पर क्लिक कीजिएगा। देन जितने महीना का लेना है वो क्लिक करने के बाद आप लोग को यहां पर मतलब कि रेफरल कोड में SGStudy आप लोग को डालना है जिससे कि आप लोग को 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा यानी कोर्स का प्राइस जो भी होगा उससे और सस्ते में आप लोग कोर्स मिल जाएगा जिससे कि आप लोग अपना तैयारी दोस्तों बेहतर बना पाओगे। बाकी बात बहुत सारे फ्री क्लास भी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिला तो जरूर डाउनलोड करना अनअकैडमी को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको ओपन कर लिए। यहाँ पे आप लोगों को ये नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा द इंडियन नेवी एनरोलमेंट एज सेलर स्पॉट कोटा इन T1/2022 बैच। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन नेवी। ठीक है, इन्वाइट अप्लीकेशन फॉर आउटस्टैंडिंग अनमेरिड स्पोर्टमैन हु हैव पार्टिसिपेट एट इंटरनेशनल जूनियर और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप स्टेट मतलब कि चैंपियनशिप ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप इन एथलेटिक्स एक्वाटिक्स बास्केटबॉल बॉक्सिंग क्रिकेट फुटबॉल यहाँ पर आर्टिस्टिक जिमनास्टिक फिर हैंडबॉल हॉकी कबड्डी वॉलीबॉल, तो यहाँ पर आप लोगों को सारे खेल का नाम देखने को मिल जाएगा। अगर इस खेल में आपने पार्टिसिपेट किया है मतलब कि जूनियर या सीनियर लेवल के नेशनल चैंपियनशिप में या स्टेट लेवल के चैंपियनशिप में या यूनिवर्सिटी के लिए तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वही 10th 12th पास होना है बस, और उसके बाद जिस पोस्ट के लिए भरना है उसके बाद इसमें से एक कोई स्पॉट आप लोगों को खेलना है मतलब स्टेट लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल, उसके बाद सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, देन जाके इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर पाओगे। इसका जो लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो लास्ट डेट इस फॉर्म का रहेगा वो दोस्तों 25 दिसंबर रहने वाला है 2021। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट का जो झारखंड हो गया लद्दाख अंडमान निकोबार लक्षद्वीप एंड मिनको आइसलैंड इज 1 जनवरी 2022 और इन सभी स्टेट के लिए 1 जनवरी 2022 तक आप लोग फॉर्म को भेज सकते हो। बाकी बाद इन सभी के लिए अदर स्टेट वालों के लिए 25 दिसंबर ही रहने वाला है। अब देखो कि यहां पर द एप्लीकेशन आर टू बी फॉरवर्डेड टू, ठीक है, तो कहां फॉरवर्ड करना है वो यहां पर एड्रेस आप लोग को, तो इस एड्रेस पे आप लोगों को फॉर्म को फिलअप करना होगा। यहाँ पर आप लोगों को डिटेल सब कुछ बताएगा क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है तीनों के लिए, तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे दोस्तों तो ये DAVP के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन डाला गया है। अब देखो इसके बाद इंप्लॉयमेंट न्यूज़ में आता है, इंप्लॉयमेंट न्यूज़ में भी आप लोग को जल्द से जल्द देखने को मिलेगा आप लोग को, मैं बता दूंगा मतलब यही 7-8 तारीख से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं वहाँ पर फॉर्म किस तरह से होता है मैं वो भी आप लोग को टेलीग्राम पर भी फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, तो जाकर टेलीग्राम को एक बार जरूर मतलब कि चेकअप करना और ज्वाइन जरूर हो जाना मेरे भाई। ठीक है, वहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा सारा चीज, हर अपडेट और नेवी की स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों होता क्या है कि आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा, सबसे पहला बात इसमें होगा कि जो भी स्पोर्ट्स है ना स्पोर्ट्स का आप लोगों का ट्रायल लिया जाएगा। जैसे कि कोई कैंडिडेट अगर खेलते हैं भाई क्या खेलते हैं यहां पर आप लोग देखोगे, कोई अगर यहां पर खेल रहे दोस्तों क्या चीज बास्केटबॉल खेला है, तो वहां पर आप लोगों को एग्जाम में क्या होगा दोस्तों, एग्जाम में आप लोग का बास्केटबॉल का क्या होगा ट्रायल होगा, आप लोग को वही खिलवाया जाएगा। अगर अच्छा खेलते हो और उसके बारे में सारा चीज जानकारी है तो ये आप लोग का अच्छा से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बस बास्केटबॉल मतलब कि खेल का ट्रायल होगा। दूसरा PFT जो कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग आप लोगों को 7 मिनट में कंप्लीट करना हो तो वो सब होगा, बाकी बात कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो जिन्होंने भी नेवी डबल ए और SSR MR में एडमिट कार्ड नहीं है अच्छा अपॉर्चुनिटी भाई, अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो तो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करना। बाकी बात कुछ भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई, और सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।